रहमान रहीम। आज हम वाइट चिकन पुलाव पकाते हैं, जिसके लिए मैंने 850 ग्राम चिकन लिए है, 750 ग्राम चावल लिए हैं, वन टेबल स्पून लिया है साल्ट का, हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर और वन एंड हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 6 से 7 मिर्चें हैं। बाकी ये मसाले हैं, जिसमें से आधा चम्मच वाइट ब्लैक ज़ीरा, आधा चम्मच वाइट ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया और 5 से 6 लौंग है, 3 इलायचियाँ हैं और 2 अदद बादियान के फूल हैं और 1.5 चम्मच सौंफ का, 3-4 इंच के करीब दालचीनी है और 1 कनौर क्यूब और 3-4 ग्रीन इलायचियाँ हैं और 2 दंद ये तेज़पात है और 1 अदद स्लाइस प्याज। सबसे पहले मैं ये चावल जो हैं वो धो के भगो के रख देती हूँ। चावलों को अच्छी तरह धो के मैंने भगो के रख दिया है। बाकी हम ये एक पोटली लेंगे इस तरह की, जो मैंने हाथ से सी के बना ली है। इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड करते हैं, साइड पर रख देती हूँ, इनको डायरेक्ट यूज़ करना है। बाकी सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देते हैं। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए। अब मैं इसको अच्छी तरह धागे से लपेट के बंद कर दूंगी, और टाइट नहीं बंद करना, लूज़ बंद करना है इसको। ताकि इसका रस भी निकले अच्छी तरह। एक कढ़ाई लेंगे, चूल्हा चलाते हैं। उसमें 80 ml के करीब हम ऑयल डालते हैं। सब्ज मिर्चें 5 से 6 मिर्चें सब्ज जो काट के मैंने स्लाइसेस किए हुए, और 2 तेज़पात डाल के इनको पकाते हैं अच्छी तरह। हरी मिर्चें और ये पत्ता जो है वो काफ़ी हद तक पक गए। हम इसमें प्याज डालते हैं, इसको हम कवर करते हैं, थोड़ा रंग चेंज होने तक पकने देते हैं। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हुआ है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। और इसको 2 मिनट लगातार भूनते हैं। कर देते हैं, रंग वाइट होने पर हम इसमें नमक डालते हैं 1.5 चम्मच, आधा चम्मच सफेद मिर्च का, अब 1 कप पानी डाल के हम इसमें और ये पोटली डाल देती हूँ, इसको बंद कर देते हैं। तो 250 ग्राम के 3 कप मैंने चावलों के लिए थे, इसलिए मैं 6 कप ये पानी के अब ऐड करती हूँ। अब इस पोटली को हम ना एक उबाल आने तक इसमें रहने देंगे, फिर जो तेज़पात वो डाले थे वो भी, और ये भी हम इसको निकाल देंगे, फिर चावल डाल देंगे। कवर करने से पहले इसमें मैगी क्यूब ऐड कर देते हैं। फिर मैं
तो पोटली को निकाल लेती हूँ और दोनों पत्तों को भी और अच्छी तरह इसको दबा के उसका दूध उसके अंदर डाल देती हूँ। इसको आप निकाल के धो भी सकते हैं, बाकी उसमें कलर फेंक के, पर मैं नहीं बना लेती हूँ। आप इसमें चावल डालती हूँ, कपड़े के साथ सूखे कपड़े के साथ और तवे के ऊपर दम के रखते हैं। 10 मिनट बाद खोलते हैं इनको। चावल की हालत में आ गया, हम इसको दम पे रख देते हैं हल्की आँच पर। पहले मैंने फुल आँच पे पकाए हैं। तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं।